अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बनाएंगे एक नई रेसिपी। इस बढ़ती गर्मी और चिलचिलाती धूप में हमें अक्सर बाहर जाना पड़ता है और वहाँ से आने के बाद हमें ठंडा पीने का दिल करता है, तो यह आपके लिए एकदम परफेक्ट रेसिपी है। कम मेहनत में और बहुत ही टेस्टी सा शरबत बनकर तैयार होता है, तो आज हम बनाएंगे रूह अफ़ज़े का शरबत। इस शरबत पीने के बाद दिल दिमाग सब ठंडा हो जाएगा। हम यहाँ पर अब देख लेंगे इंग्रेडिएंट्स। हमने यहाँ पर एक कप ले लिया है रूह अफ़ज़ा, हमने चाय के कप से मीडियम कप से एक कप ले लिया है। आप अगर शरबत कम या ज़्यादा बनाना चाहें तो आप उसी हिसाब से रूह अफ़ज़ा भी ले लें। कटोरी से देखेंगे तो हम यहाँ पर एक छोटी कटोरी रूह अफ़ज़ा ले लेंगे और कप से हमने एक मीडियम कप रूह अफ़ज़ा ले लिया है। अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पर हम ले लेंगे एक चुटकी नमक, दो हमें नींबू ले लेना है और इसका रस निकाल लेना है। यहाँ पर हम ले लेंगे शक्कर, हमने 5 चम्मच शक्कर लिया है। इसी चम्मच से हमने 5 चम्मच शक्कर लिया है। आप शक्कर भी कम ज़्यादा कर सकते हैं जो हिसाब से शरबत बनाए। यहाँ पर ले लेंगे हम जग। अब इसमें डालेंगे हम एकदम ठंडा पानी। हम आधा जग ले लेंगे एकदम चिल्ड पानी। आप चाहें तो पानी में बर्फ़ भी डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे एकदम ठंडा पानी ले लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे हमने जो शक्कर ली थी। शक्कर डालकर हमें अच्छे से शक्कर को घोल लेना है। हमें शक्कर को अच्छे से चलाकर घोल लेना है। वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें नई नई रेसिपी के लिए। देखिए हमने यहाँ पर शक्कर घोल लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे हमने जो एक चुटकी नमक लिया था। नमक डालने के बाद हम ले लेंगे नींबू का रस। जो हमने नींबू लिया था उसका रस निकाल लिया था। हम अपने शरबत को वापस से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें चला लेना है शरबत को। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हमने जो रूह अफ़ज़ा लिया था, पूरा रूह अफ़ज़ा डाल देना है। एकदम कम समय में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब रूह अफ़ज़े का शरबत तैयार होता है। देखिए हमने डाल दिया है पूरा रूह अफ़ज़ा। अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। मिक्स करने के बाद इसको हम निकाल लेंगे गिलास में। बहुत ही कम समय में हमारा शरबत तैयार हो जाता है और पीने में ही इतना ताजगी और ठंडक देता है। इस शरबत को ज़रूर आप ट्राई करें। देखिए हमने यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लिया है। हमने यहाँ पर गिलास ले लिया है, हमने छोटे बड़े दोनों गिलास ले लिया है। अब दोनों गिलास में हम अपने शरबत को सर्व कर लेंगे। यकीन मानिए इस शरबत को जो एक बार पिएगा वो बार बार आपसे यही शरबत की डिमांड करेगा। कम वक्त में बहुत ही ठंडा और लाजवाब सा शरबत तैयार होता है। हम अक्सर गर्मियों के दिनों में बाहर से आते हैं तो हमें ठंडा पीने का मन करता है, तो इस शरबत को ज़रूर पीजिए। एक बार पियेंगे आप बार बार इसी शरबत को बनाएंगे।